सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आपका भाई निकू और आप देख रहे हो निकू ब्लॉग। सो गाइस, सुबह सुबह चाचा घर पे आए थे और सरप्राइज दिया हमें, और चिकी भी आई है साथ में। जो जो को खिला रही है वो मुझे चाट लिया। इसने तेरे को चाट लिया? कहाँ पे चाटा? और गाइस, अभी ना जो बुड़का भरने लग गया, जैसे भागते हैं ना दूर, तो ये भी भाग भाग के आता है पीछे पीछे। बहुत तेज भागता है ये। जो ये देखो, ये देखो, ये देखो, इसकी स्पीड देख, देख कितनी जल्दी आ गया भाग के। तो गाइस, चाची भी आई हुई है चाचा के साथ। वो इसको जबरदस्ती मत खिला, चाची को दे दे। जो जो जा क्यों अच्छा। आज हम होली की शॉपिंग करने जा रहे हैं। मजेदार होली मजेदार करेंगे पूरी। सो गाइस, आज जा रहे हैं भाई होली की शॉपिंग करने। मस्त मस्त बम पटाखे वगैरह अगर होंगे ना तो वो भी लेके आएंगे। चीनू को पिचकारी दिलाऊंगा जो भी ये कहेगा, बड़ी सी पक्के रंग से लेके, गुलाल से लेके, और जो भी यूनिक चीजें मिलेंगी ना सभी उठा के ले आएंगे। और गाइस, पापा कह रहे हैं कि होली ना मस्त जानी चाहिए, तो चाचा होली में ना पूरी मस्ती कर लेंगे। और गाइस, हमारे पास ना एक यूनिक पिचकारी है, तो वो नुकसान भी कर सकती है, है ना? देख के चलानी, वो भाई बिजली से चलती है, वो थोड़ा देख के चलानी पड़ेगी। तो गाइस, अभी मैं खा रहा हूँ खाना। ये क्या बना रहे हो? इमली की चटनी होली वाले दिन के लिए। सो गाइस, आज खाने में है टमाटर की चटनी, रोटी और लस्सी। सो गाइस, अभी मैं खाना खा रहा हूँ, और खाना खा के चलते हैं सीधा होली की शॉपिंग करने। तो चलो गाइस चलते हैं। हेलो हेलो, कैसे हो? आई एम फाइन। आ गए चाचा घर पे? चाची की तबीयत खराब है, कोई डॉक्टर के दिखानी पड़ेगी। तो भाई, चाचा का तो शॉपिंग का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। मैं और चीनू जाएंगे होली की शॉपिंग करने। चाचा चाची और चीकी घर पे ही रहेंगे। क्या हुआ, तू भी जाएगी? तो भाई, अभी ना हम सदर बाजार मार्केट में आ चुके हैं, और भाई ये देखो कितनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। तो गाइस, गाड़ी तो पार्क कर दी है, और अभी चीनू और मैं ना मार्केट में जा रहे हैं। मजा आएगा। चीनू, कितने सारे आइटम है? बहुत सारे हैं भाई यहाँ पे तो आइटम, है ना? ओए, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कैसे गिरा भाई? कमाल है यार, देखा आंटी कैसे गिरा, इनके ऊपर आगे गिर गया सीधा। ये कैसी पिचकारी थी ना? अच्छा, समझ गया समझ गया। 10 पीस गुब्बारे हो गए, ठीक है। सो गाइस, गुब्बारे तो ले लिए हमने। अरे ये दो ही मिलेंगे, भैया ने एक अपने लिए रख रखा है। भैया भी होली खेलेंगे यार। तो गाइस, सामान तो ले लिया यार, उठाया नहीं जा रहा। तो गाइस, वैसे मेन तो सारा सामान ले लिया है, बस इसकी पिचकारी बची हुई है। ओ भाई, खून निकल गया। उतरेगा नहीं, एक बार लग गया तो। तो गाइस, हमने ना ये तीनों ले लिए हैं, तीनों पक्के रंग। बहुत ज्यादा सामान हो गया, 10-15 किलो सामान हो चुका, उठाया भी नहीं जा रहा। फाइनली गाड़ी के पास पहुंच गए यार, रिक्शा भी नहीं मिली रास्ते में कोई, ये सारा खुद ही उठा के लाना पड़ा। जल्दी रख जल्दी। ये देखो गाइस, के हाथ का क्या हाल हो गया। अरे यार, धुआं निकल रहा है, आग लग गई क्या इसमें? कंप्रेसर मैं तो डर गया था भैया, गाड़ी में आग तो नहीं लगेगी? लग जाएगी। तो भाई, अभी ना कमाल हो गया था, हमारी गाड़ी के साथ में ना एक बाइक वाला भाई चल रहा था, तो भाई उसने बताया कि गाड़ी में से धुआं निकल रहा है बहुत ज्यादा। मैंने ना चलते रोड में लेफ्ट कट मार के और गाड़ी साइड में लगा दी, सारा ट्रैफिक रुक गया था। और भाई, जैसे मैं उतरा ना, मैंने देखा भाई गाड़ी में से धुआं निकल रहा है, लिटरली इतना धुआं निकल रहा था, मुझे लग रहा था भाई गाड़ी में आग लग गई और ये बुझेगी नहीं। हमारा गुड लक था, एक भाई आगे जो कि मैकेनिक थे, उन्होंने बताया कि कंप्रेसर में आग लगी है, ये एसी की वजह से लगी है। ये भी बोला गाइस, अगर एसी चला के हम ले जाएंगे ना तो इसमें आग लग सकती है। शुक्र है उन्होंने बता दिया हमें, तो भाई अभी ऐसे ही जा रहे होते हम और गाड़ी में सच में आग लग जाती। सो गाइस, ये देखो कितना सारा सामान लिया है हम होली का, ये देखो पक्के रंग। हाँ अच्छा, चिकी सो गई? चिकू, सो गाइस चिकी तो सो गई है। चिकी चल खोल चीनू। ओहो, और ये पक्के रंग, वाओ, ये पूरी टेबल भर गई है और काफी सारे बम उसके अंदर भी रखे हैं। प्लास्टिक का रस्सा है, इससे पिटाई करोगे चाची आप? जो भी आपके रंग लगाएगा
जाके रंग लगाएगा ना फिर नहीं मारूंगी। अगर मैं अकेली और मेरे काफी जने हुए ना फिर मारूंगी। ये लग जाएगा चाची, फिर मैं भी तो अकेली पड़ जाऊंगी, तो मैं अपनी सेफ्टी के लिए कुछ तो करूंगी। ये देखो ये है हमारा होली का सामान, पिचकारी रह गई है चीनू की, पिचकारी यहीं से लेके आएंगे। ओ चाची फिट आ गया आपके तो, शू चाची मुर्गी लग रही है ना। ओ भाई चीनू के भी यार फिट आ गया तेरे तो। ओ भाई चिक्की अब्बू आ गया। ओ भाई कुंभकर्ण होगी ये तो। गुची 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 चिक्की अब्बू जो जो आ गया, जो जो देख जो जो आ गया, ये देसी मुर्गा आ गया हमारे घर में भाई, देसी मुर्गा। चाचा क्या हो गया आपके? गाइज ये ना सिर्फ दो ही लाया हूँ मैं, बाकी और भी लाऊंगा जिससे सब बच्चे पहन लेंगे यहाँ पे। तो गाइज ये जो मोटर है ना, ये गाड़ी साफ करने वाली मोटर है, ये टंकी से अटैच होती है, इसमें से भाई इतना तगड़ा प्रेशर निकल के आता है ना, ये किसी को नुकसान भी कर सकती है। इसको यूज करेंगे भाई पिचकारी, इससे बढ़िया पिचकारी कोई नहीं है। सो गाइज अभी ना ड्रैगन को लेके आ रहे हैं और ड्रैगन का रिएक्शन देखेंगे क्या रिएक्शन देता है। ड्रैगू आजा 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 बाहर आजा आजा ओए आजा 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 ड्रैगू आजा आजा आजा। देखिए चूड़ी मुंह में ले ली चाची आपकी, छोड़ दे इसको, छोड़ दे, डर रही है यार, छोड़ देना, छोड़ दे ड्रैगू, लब तेरे साथ खेलेगा ये बुड़का भर भर के। वो बुड़का भर लिया भाई, उस पर भी लोक लगा लिया। ओए ओए तो गाइस अभी ना एक स्मोक वाला पटाखा यूज करके देख रहे हैं होली वाला, ये सुन रहा है। गुलाल ही गुलाल उड़ गया वहां में। ओ भाई कितना डार्क, हाथ में लेने वाला है ये, हाथ में ले ले फिर इसको। ओ भाई मस्त है ये तो। ओए मेरे ऊपर मत मार भाई, ये ड्रैगू तो भाग गया भाई धुआं देख के। ड्रैगू क्या हो गया भाई, धुआं लग रहा है, आ जाओ अंदर आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, धुआं घुस जाएगा नाक में। ड्रैगू हाँ ड्रैगू। तो गाइस अभी चीनू और मैं घर पे जा रहे हैं, ये सारा सामान चीनू ने पैक कर दिया है। आजा पापा जी, आज गाड़ी में आग लग गई थी, जब बोनट खोला ना बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा था, फिर ऑन द स्पॉट एक मैकेनिक मिला, वो बोला कि भाई कंप्रेसर में आग लगी है, एसी चला के मत जाना नहीं तो गाड़ी में आग लग जाएगी। क्या दिक्कत भाई? दिक्कत ये है कंप्रेसर जल गया। हाँ आज बहुत भारी नुकसान हो सकता था, मतलब पूरी गाड़ी जल सकती थी, बच गए। जोजो 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 मम्मी का है गाइस, मम्मी पता नहीं कहाँ गई, यहाँ पे घर में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है पता नहीं। पाँच दस मिनट से छुपे हुए हो, तेरे को पता था ना, तेरे को पता था ना, नहीं इसको नहीं पता था। गाइस ये देखो चीनू ने क्या कर लिया, अपने गले में पट्टा बांध लिया। तो भाई वैसे मेरा प्लान था कि होली वाले दिन ना ड्रोन से गुलाल उड़ाएंगे, अभी ना ड्रोन से थोड़ा गुलाल का पैकेट उड़ाने की कोशिश करते हैं ताकि कंफर्म हो जाए कि भाई होली पे गुलाल उड़ा पाएंगे या नहीं उड़ा पाएंगे। चीनू ड्रोन लेके आ। सो गाइस अभी ना चेक कर रहे हैं ड्रोन गुलाल के पैकेट को उड़ा पाएगा या नहीं उड़ा पाएगा, क्या लग रहा है उड़ा देगा? 100 ग्राम का ही है, उड़ा देगा शायद। चीनू पक्का? और गाइस मुझे डाउट हो रहा है थोड़ा, ये 100 ग्राम का पैकेट है तो देखते हैं। उड़ा दिया, उड़ गया। मैंने तो पक्का कहा, मुझे डाउट हो रहा था कि उड़ा पाएगा नहीं उड़ा पाएगा, आराम से उड़ा दिया। गाइस मजा आ गया, अपना होली वाले दिन ना ड्रोन से गुलाल उड़ाएंगे मस्त। एक आइडिया हो रहा है, धुएं वाले बॉम्ब लाए हूं होली वाले, तो वो इसके बांध के स्मोक उड़ाएंगे इससे आसमान में। तो गाइस अभी ना स्मोक बॉम्ब उड़ा के देख रहे हैं ड्रोन से, और अगर ये उड़ गया ना तो होली वाले दिन ना स्मोक उड़ाएंगे ड्रोन से आसमान में। ओए एक ही बार में उड़ा दिया, इससे रियल स्मोक उड़ा सकते हैं आसमान में हम। आसमान पूरा रंगीला हो जाएगा, ये देख कैसे घूम रहा है, की बैटरी फुल चार्ज कर लूंगा। मजा आ गया भाई, एक चीज और कर सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं हम इसके ऊपर, इसके ऊपर चिपका सकते हैं ना इसको, हाँ बैलेंस बन जाएगा। तो गाइज अभी मैं खाना खा रहा हूँ और आज खाने में है दाल दही रोटी और आलू मटर की सब्जी। तो गाइज अभी मैं खा रहा हूँ खाना और खाना खा के बात करते हैं आपसे। सो गाइज मैंने खा लिया है खाना, तो भाई आज ना होली की शॉपिंग करते गए थे
और भाई जिस मार्केट में हम गए थे ना वहाँ पे इतना सारा होली का सामान था ना भाई, सारी चीजें ही पसंद आ रही थी वहाँ पे गाइस, एक से एक पक्के रंग थे। और भाई मैं भी पक्के रंग परचेज करके लाया हूँ, इसी का लगा दिया ना तो भाई उतरेंगे ही नहीं कई दिनों तक। और सिल्वर ग्रीस, गोल्ड ग्रीस, स्मोक बॉम्ब, कई सारी चीजें हैं, तो भाई मजा आ जाएगा होली पे। तो गाइस मैं ना मतलब मेन सारा सामान ले आया जिससे होली पे मजे ही आ जाएंगे, बाकी चीनू की पिचकारी रहेगी वो होली वाले दिन ही परचेज करके लानी पड़ेगी। और भाई होली पे ना ड्रोन से गुलाल उड़ाएंगे मस्त, और स्मोक भी उड़ाएंगे। सही है, मस्त। तो गाइस मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ होली के लिए। जोजो गाइस, जोजो ना बहुत शैतान हो गया, ये काटने लग गया है तू, है ना। सो गाइस यही था आज की वीडियो में। तो भाई अभी मैं एडिटिंग करूंगा, एडिटिंग करने के बाद जाके मैं सोऊंगा। तो भाई वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और भाई ये देखो मेरा हाथ चबाने लग रहा है देखो। सो थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तुम्हारे भाई का चैनल है निक्कू का। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।